गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। 24 देव गायत्री। गायत्री का हर अक्षर एक शक्ति स्रोत है, हर अक्षर के एक अपने देवता हैं। तो आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन से अक्षर के कौन से देवता हैं। गायत्री परिकर सुविस्तृत है, उसके अंतर्गत अवतार, देवता, देवियाँ, ऋषि आदि का समावेश है। अनेकों शक्तियों की गरिमा और साधनाओं की महिमा का वर्णन है। संक्षेप में इस छोटे से 24 अक्षर वाले ब्रह्म सूत्र में वह सब कुछ है जो मनुष्य को भौतिक प्रगति एवं आत्मिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। गायत्री में अपनी निजी 24 सामर्थ्य हैं, जिनके अंतर्गत समृद्धियों और विभूतियों का सारा परिकर भली भांति समा जाता है। प्रतिपादनकर्ताओं ने देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व को भी मान्यता दी है और उनकी आराधना के विधि विधान बनाए हैं। इस वर्ग के लिए भी गायत्री के माध्यम से अन्य देवताओं की उपासना की जा सकती है। जिनकी उपास्य इष्ट अन्य देवता हैं, वे उनके निमित्त बनाई गई देव गायत्री के माध्यम से अपने लक्ष्य तक अधिक सरलता पूर्वक पहुंच सकते हैं। तंत्र ग्रंथों में 24 देव गायत्री भी बताई गई है। आवश्यकता अनुसार अनुभवी मार्गदर्शक में इनकी उपासना की जा सकती है। देवताओं का विवरण एवं प्रतिफल शास्त्रों में इस प्रकार लिखा मिलता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर के देवता क्रमशः गणेश, नरसिंह हैं, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, इंद्र, सरस्वती, दुर्गा, हनुमान, पृथ्वी, सूर्य, राम, सीता, चंद्रमा, यम, ब्रह्म, वरुण, नारायण, हयग्रीव, हंस और तुलसी हैं। उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इसका विवरण आगे है। पहले हैं गणेश, सफलता और शक्ति के देवता हैं। इनकी आराधना करने से हमको फल मिलता है कि कठिन कामों में सफलता प्राप्त होती है और विघ्नों का नाश होता है और बुद्धि की वृद्धि होती है। दूसरे देव हैं नरसिंह देव, इनसे हमको पराक्रम और शक्ति प्राप्त होती है और फल पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रु नाश, आतंक, आक्रमण से हमारी रक्षा होती है। तीसरे देव हैं विष्णुदेव, जो कि पालन की शक्ति इनके पास होती है। इनका फल है प्राणियों का पालन करना, आश्रितों की रक्षा और योग्यताओं की वृद्धि करना। शिव हमको कल्याण की शक्ति देते हैं। फल इनकी साधना करने से हमको अनिष्ट का विनाश होता है, कल्याण की वृद्धि होती है, निश्चयता और आत्मपरायणता बढ़ती है। पांचवे देव हैं कृष्ण, इनसे हमको योग शक्ति की प्राप्ति होती है और इनकी जाप करने का फल हमको मिलता है कि क्रियाशीलता, आत्मनिष्ठा, अनासक्ति, कर्मयोग, सौंदर्य और सरसता में वृद्धि होती है। छठवीं देवी हैं राधा, जो प्रेम की शक्ति हैं। इनकी उपासना करने से हमें प्रेम दृष्टि मिलती है और द्वेष भाव की समाप्ति होती है। सातवीं देवी हैं लक्ष्मी देवी, जो कि धन की शक्ति है और फल मिलता है धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति। आठवें देव हैं अग्निदेव, जिनके पास तेज की शक्ति होती है और फल मिलता है उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली और तेजस्वी होना। नौवीं देव हैं इंद्रदेव, इनसे हमको रक्षा की शक्ति मिलती है और जाप का फल होता है रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत, प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रमणों से रक्षा होती है। दसवीं देवी हैं सरस्वती देवी, जो जिनके पास बुद्धि की शक्ति होती है और जप का फल होता है मेधा की वृद्धि, बुद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता और विवेकशीलता। ग्यारहवीं देवी हैं दुर्गा देवी, जिनके पास दमन की शक्ति होती है, फल होता है विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार और दर्प की प्रचंडता। बारहवीं देव हैं हनुमान, जिनसे हमको मिलती है निष्ठा की शक्ति और
फल प्राप्त होता है कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। तेरहवीं देव हैं पृथ्वी देवी। इनके पास धारण की शक्ति होती है और जप का फल होता है गंभीरता, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, भार वहन करने की क्षमता। चौथे देव हैं सूर्य देव, जिनसे हमको प्राणों की शक्ति मिलती है और जप का फल होता है निरोगता, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता और विकारों का शोधन। पंद्रहवें देव हैं राम, जिनके पास है मर्यादा की शक्ति और उनका जप का फल होता है तितिक्षा, कष्ट में विचलित ना होना, धर्म मर्यादा, सौम्यता, संयम और मैत्री की प्राप्ति। सोलहवीं देवी हैं सीता देवी, जिनसे हमको तप की शक्ति मिलती है और जप का फल होता है निर्विकार, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील और नम्रता। सत्रवें देव हैं चंद्रदेव, जिनसे हमको शांति की शक्ति मिलती है और फल है उद्विग्नताओं की शांति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन, काम, लोभ, मोह एवं तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। अठारहवीं भगवान है यम, जिनके पास काल की शक्ति है और इनका जाप करने से हमको फल मिलता है कि समय का सदुपयोग, मृत्यु से निर्भयता, निरालस्यता, स्फूर्ति और जागरूकता। 19वें देव हैं ब्रह्मदेव, इनसे हमको उत्पादक शक्ति प्राप्त होती है और फल है उत्पादन शक्ति की वृद्धि, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना, संतान बढ़ना, पशु, कृषि, वृक्ष, वनस्पति आदि में उत्पादन की मात्रा बढ़ना। 20वें हैं वरुण देव, जिनके पास है रस की शक्ति, उनकी जप का फल है भावुकता, सरलता, कला प्रियता, कवित्व, आर्द्रता, दया, दूसरों के लिए द्रवित होना, कोमलता, प्रसन्नता और माधुर्य। 21वें देव है नारायण, इनके पास है आदर्श की शक्ति और जाप का फल है महत्वाकांक्षा, श्रेष्ठता, उच्च आकांक्षा, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, उज्जवल चरित्र, पथ प्रदर्शन, कार्यशैली। 22वें हैं हयग्रीव, जिनके पास है साहस की शक्ति और जाप का फल है उत्साह, साहस, वीरता, सूरता, निर्भयता, कठिनाइयों से लड़ने की अभिलाषा और पुरुषार्थ। 23वें देव हैं हंसदेव, जिनके पास है विवेक की शक्ति और जाप का फल है उज्ज्वल कीर्ति, आत्मसंतोष, सत असत निर्णय, दूरदर्शिता, सत संगति, उत्तम आहार विहार। और अंत में 24वीं देवी हैं तुलसी देवी, जिनसे हमको सेवा की शक्ति प्राप्त होती है और फल है लोक सेवा में प्रवृत्ति होना, सत्य प्रधानता, पतिव्रत, पत्नीव्रत, आत्मशांति, पर दुख निवारण। जिसे अपने में जिस शक्ति की, जिस गुण, कर्म स्वभाव की कमी या विकृति दिखाई पड़ती हो, उसे उस शक्ति वाले देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस देवता की जो गायत्री है, उसका दशांश जप गायत्री साधना के साथ साथ करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन है, संतान की मानता करना चाहता है, यदि गायत्री की 10 मालाएं नित्य जपी जाएं, तो एक माला ब्रह्म गायत्री की भी जपनी चाहिए। केवल मात्र ब्रह्म गायत्री को ही जपने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्म गायत्री की स्वतंत्र सत्ता उतनी बलवती नहीं है। देव गायत्रियां उस महान वेदात्मा गायत्री की छोटी शाखाएं तभी तक हरी भरी रहती हैं जब तक वे मूल वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। वृक्ष से अलग कट जाने पर शाखा निष्प्राण हो जाती है। उसी प्रकार अकेली देव गायत्री भी निष्प्राण होती है, उसका जप महागायत्री के साथ ही करना चाहिए। 24 देवताओं की गायत्रियां दी गई हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में 7 देवों की अलग गायत्री मंत्र बताए हैं, उसी तरह से उन 24 देवताओं के भी अलग गायत्री मंत्र हैं। जिसको साधक को जो गुण, जिस पदार्थ
की कमी लगे या अवसर के हिसाब से जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या जो गुण बनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो वो उसके हिसाब से उस देवता का जप करे। 10 माला गायत्री की और 1 माला जो आपके देव गायत्री हैं उनकी कर सकते हैं। एक ही परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। जैसे सूर्य की विविध गुणों वाली किरणें, अल्ट्रावायलेट, अल्फा, पारदर्शी, मृत्यु किरण आदि अनेक नामों से पुकारी जाती हैं, उसी प्रकार अनेक कार्य और गुणों के कारण ईश्वरीय शक्तियां भी देव नामों से पुकारी जाती हैं। सूर्य की प्रातःकालीन, मध्यान्हकालीन और संध्याकालीन किरणों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार गर्मी, वर्षा और शीतकाल में किरणों के गुण में अंतर पड़ जाता है। सूर्य एक ही है पर प्रदेश, ऋतु और काल के भेद से उनका गुण भिन्न भिन्न हो जाता है। ईश्वर की शक्तियों में इसी प्रकार की विभिन्नताओं के होने के कारण उनके नाम विभिन्न प्रकार की रखे गए हैं। रेडियो यंत्र की सुई घुमाने से उन विविध स्थानों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं जो आपस में बहुत भिन्न हैं। सुई के घुमाने से यंत्र के भीतर एक ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि पहले उसके भीतर जो गतिविधियाँ काम कर रही थीं वे बंद हो जाती हैं और नए प्रकार की गतिविधि आरंभ हो जाती है, जिससे पहले जिस स्टेशन की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही थी वे बंद होकर नया स्टेशन सुनाई पड़ने लगता है। मनुष्य शरीर की स्थिति को भी साधनात्मक कर्मकांडों द्वारा इसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह कभी किसी देव भक्ति के और कभी अन्य देव शक्ति के अनुकूल बन जाती है। साधना काल में साधक की रहन सहन, आहार व्यवहार, दिनचर्या, विचार, चिंतन, ध्यान, संयम, कर्मकांड आदि ऐसे प्रबंध एवं नियंत्रण कायम किए जाते हैं जिनके कारण उनकी मनोभूमि एक विशेष दशा में काम करने योग्य बन जाती है। साधना काल में नियमों का, प्रतिबंधों या नियंत्रणों का कोई साधक पूरी तरह पालन करे तो उसकी मशीन इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि इच्छित देव शक्ति के संबंध स्थापित कर सके। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।